हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई लैशेज एक्सटेंशन। तो आई लैशेज एक्सटेंशन में आपको सबसे पहले किस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी, फिर आपको करने का प्रोसेस बताऊँगी पूरा स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं लेने के लिए। तो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको डीप नॉलेज देने वाली है छोटी छोटी चीज़ों की, कैसे आपने टेस्टिंग करनी है, कैसे आपने हर एक प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है, और जब आप खरीदने जा रहे हो प्रोडक्ट तो आपके पास क्या क्वालिटी आ रही है क्या नहीं आ रही है, तो आप वो भी कैसे टेस्टिंग कर सकते हो। तो आइए आपको दिखाते हो। तो गाइस, सबसे पहला जो प्रोडक्ट यूज़ होता है हमारा, यूज़ होता है ये क्लिंजर, जो कि हमारी आईलैश को क्लीन करने के लिए होता है। और इसके लिए क्लिंजर ब्रश हम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल भी क्लाइंट को हर्ट नहीं करता है। इसको जस्ट हमें सिंपली स्प्रे करना होता है और आईलैश को क्लीन करना होता है। इसके बाद टिशू पेपर से हम लोग वाइप कर लेते हैं, ठीक है। और टिशू पेपर जो आपने यूज़ करना है वो ड्राई टिशू पेपर ही यूज़ करना है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो सेकेंड हमारा प्रोडक्ट यूज़ होता है वो हमारे यूज़ होते हैं आई पैचेस। आई पैचेस के साथ में सीज़र रखना अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों होते हैं वो भी आपको प्रैक्टिकल में पता लग ही जाएगा। साथ में हमारी ये टेप, तो गाइस डॉक्टर टेप आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, ध्यान रखना, हमेशा आपने इस तरीके की टेप को यूज़ करना है। कुछ ये मस्कारा ब्रशेज और ये कॉटन स्टिक्स हमारी यूज़ होती हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉटन स्टिक्स और ये मस्कारा ब्रश, एवरी स्टेप पर हम इसे ज़रूर यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ होता है, हमारा यूज़ होता है प्राइमर, प्रेप ट्रीटमेंट और हमारी आईलैश ग्लू। तो ये आईलैश ग्लू गाइस, जिस जिसको बाय करनी होगी, अभी स्टॉक आ गया है, तो आप जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ये बॉक्स है गाइस, ये कंटेनर मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसमें अगर आपकी जो आईलैश ग्लू है अगर 3 महीने चलने वाली है, तो आप इसमें जब बंद करके रखते हैं, एयर टाइट बॉक्स है ये, तो ये आपकी जो आईलैश ग्लू है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और ड्यूरेशन आपकी यूजिंग की बढ़ जाती है, 6 मंथ्स हो जाती है, डबल हो जाती है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट यूज़ होता है हमारी आई लैशेज, जो कि अच्छी क्वालिटी के आई लैश होनी बहुत ज़रूरी है। ये ह्यूमन हेयर लैशेज है गाइज, जिसमें कि बहुत अच्छी थिकनेस होती है, यहाँ पर मेंशन होती है हर एक चीज़। गाइज जैसे कि ये सी कर्ल लैशेज है, इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हो, 0.15 थिकनेस है, जो कि बहुत अच्छी थिकनेस है, और ये 9 mm की लेंथ है, तो आप लेंथ में भी देख सकते हो। एंड जब आप इसे देख रहे हो ना, आप देखो बिल्कुल भी आपको इसमें पीछे ना ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आ रहा होगा, इनके थिकनेस हेयर की इतनी अच्छी है कि बहुत जल्दी से वॉल्यूम देने लग जाती है। साथ में हमारा जो प्रोडक्ट यूज़ होता है हमारा ट्वीज़र, यहाँ पे ट्वीज़र एंड सेपरेटर दो तरीके के होते हैं, एक कर्व होता है और एक ये स्ट्रेट वाला हमारा यूज़ होता है। साथ में हमारी ये ग्लू रिंग यूज़ होती है, ग्लू रिंग के साथ में हमारी आई लैश रिमूवर हमारा प्रोडक्ट यूज़ होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गाइस, इसे आप अपनी किट में रखना भूलना मत। तो चलिए आइए स्टार्ट करें हमारा पूरा के पूरा प्रोसेस। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक तो अभी ही कर दो आप, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। सो गाइज, हमारे क्लाइंट की आई लैशेज को जो है सबसे पहले हमने क्लिंजर स्प्रे से और हमारे क्लिंजर ब्रश से क्लीन करना है। ये क्लिंजर ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि एक एक आई लैश को अच्छे से डीपली क्लीन करते हैं। इसके बाद ड्राई टिशू पेपर आपने यूज़ करना है, बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने वेट टिशूज़ यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि हमें मॉइस्चर वाली आई लैशेज़ नहीं चाहिए। और क्लिंजर का हमने यूज़ सिर्फ इसलिए किया है कि एक्स्ट्रा काजल या फिर जेल लाइनर या फिर मस्कारा लगा है तो वो आई लैशेज के ऊपर से रिमूव हो जाए। जो वाटर लाइन में लगे हैं उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आई लैशेज़ के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ना तो कोई फेस मॉइस्चराइज़र और ना ही कोई मस्कारा या फिर कोई आपका स्किन केयर प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो इसके बाद हमारे ये पैचेस होते हैं, हम इसे मोड़कर इस तरीके से वी तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे लॉक करना होता है। इसे अप्लाई जब हम करते हैं स्किन के ऊपर, तो हमारी नोज़ की स्किन और हमारी जो चीक्स की स्किन होती है थोड़ी अप एंड डाउन होती है, तो वहाँ पर जो है हमारे इसमें जो है कभी कभी सिलवट आ जाती है, जिसे कि हम बोलते हैं, कभी कभी रिंकल भी आ जाता है। तो हमें बहुत ध्यान से इसे अप्लाई करना है। पहले हम नीचे आई लैशेज़ के ऊपर इसे चिपकाते हुए स्किन के ऊपर अटैच कर देंगे, और इसे अप्लाई करने के बाद गाइज़ यहाँ पर हम अपनी जो है टेप का यूज़ करेंगे। टेप का यूज़ गाइज़ हमने यहाँ पे हेयर कवरेज के लिए करना होता है, ताकि नीचे वाले हेयर पर जो है जब हम ऊपर वाले हेयर पे लगाएं लैशेस पे हेयर, तो वो नीचे जो हमारी लोअर लैश लाइन के हेयर्स हैं उसके ऊपर ना चिपके। और पैच लगाने का सबसे बड़ा गाइज़ रीज़न यहाँ पर ये होता है,
हमारे टूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो वो स्किन में बहुत ज़ोर के लग सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले जेल पैड्स भी इसे हम बोलते हैं, और साथ में हम इसे आई पैचेस भी बोलते हैं, तो ये अप्लाई करते हैं और उसके बाद में इसी के साथ में ही आई लैशेज़ को भी कवरेज दे देते हैं, ताकि हमारी जो अपर लैश लाइन है वहाँ पर जब हम अपना एक एक हेयर करके अटैच करें, वो लैश लोअर लैश के जो हेयर है वो बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब ना करें। आई पैचेस सेट करते हुए हमने ध्यान रखना है कि अपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि उनके रेटिना में कुछ चुभ तो नहीं रहा है। और अब मैं अप्लाई करूँगी हमारी कॉटन स्टिक की हेल्प से यहाँ पर प्राइमर। तो प्राइमर जो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपने स्टिक में लेना है, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप एकदम से गिर जाए और वो आई के अंदर चले जाए। प्राइमर यहाँ पर लगाने का गाइस सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि अभी हमने क्लिनज़र से क्लीन किया है, तो ये थोड़ी देर के लिए हमारे हेयर के जो नेचुरल मॉइस्चर होता है ये उसे थोड़ी देर के लिए सुखा देता है, और उससे क्या होता है हमारी जो लैशेस होती हैं, हमारी जो ग्लू होती है वो बहुत जल्दी से लैश के साथ अपनी आर्टिफिशियल लैश को अटैच कर लेती है। तो यहाँ पर हमने 3 साइजेस ले ली हैं आई लैशेस की लाइन के, यहाँ पर हम 3 डिफरेंट साइजेस लगाएंगे क्योंकि हमारी क्लाइंट के आई लैशेस आप देख सकते हो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लंबी हैं लेकिन घनी नहीं है, तो यहाँ पर हम घनी करने का ही काम करेंगे। और मैं अपनी आई लैश ग्लू ले लूँगी, पहले हाफ ऑफ दी हमारा सेंटर एरिया रिंग का कवरअप करेंगे और 1 by 1 करके यहाँ पर अपने टूल्स की हेल्प से, अपने एप्लीकेटर की हेल्प से अप्लाई करेंगे, और सेपरेटर की हेल्प से 1 by 1 करके एक एक हेयर को, लैश को सेपरेट करके अपना हेयर अटैच करते रहेंगे। सो गाइज, यहाँ पे ग्लू की रिंग में भी ना आपने जो है ग्लू भरते हुए ध्यान रखना है, आपने इतने लिमिट में ग्लू फिल करनी है कि जितना भी आप इंस्टेंट काम कर सके फटाफट से, एकदम से आपने बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं भर लेने, नहीं तो वो बहुत जल्दी से ड्राई होने लग जाती है, फिर वो थ्रेड से छोड़ने लग जाती है, दैट मीन्स आपकी ग्लू का काम ख़त्म हो जाता है वहाँ पर, फिर आपको न्यू ग्लू लेनी पड़ती है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है। आप देखिए मेरी कितनी फास्ट मोड पे जो है लैशेस जो एप्लीकेशन होने स्टार्ट हो गई है, एंड कुछ ही देर में इसमें हमें वॉल्यूम भी नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ आई लैशेस में तो जैसे 1 by 1 हेयर करके अप्लाई कर रहे हैं, इसी के ऊपर ही अगर आप चाहें तो 3 to 4 हेयर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम देने के लिए, जिसे कि हम हाइब्रिड वॉल्यूम, मेगा वॉल्यूम और वॉल्यूम इस तरीके से नाम भी देते हैं। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी वॉल्यूम दे सकते हैं, बट मेरे क्लाइंट को नेचुरल हेयर में वॉल्यूम चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा हैवी है, तो थोड़ा डार्कर हो जाए, क्योंकि आईलिड मैम की बहुत अच्छी है हमारी क्लाइंट की, तो यहाँ पर आकर आई लैशेज काफ़ी लाइट लगते हैं, क्योंकि आईब्रोज भी आप देख सकते हैं इनकी नेचुरल आईब्रोज कितनी घनी है, तो जब आईब्रोज बहुत घनी होती है आईलिड बहुत सुंदर होती है, वहाँ पर अगर आई लैशेज लाइट होती है तो आईज कहीं ना कहीं अधूरी सी लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 1 by 1 करके एवरी हेयर पे अपने नेल के हमारे आई लैशेज के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है 1 by 1 करके हेयर अप्लाई कर रहे हैं। तो जहाँ पर छोटे हेयर हैं वहाँ पर हम छोटे हेयर ही अप्लाई कर रहे हैं, और जहाँ पर हमारे लॉन्ग हेयर है वहाँ पर हम उसी की लेंथ के अकॉर्डिंग एक नंबर बड़ा लेंथ का अप्लाई कर रहे हैं। एंड गाइज, अगर हम बात करें इसकी प्रिकॉशन की, तो इसके लिए हमने अपने क्लाइंट को हमेशा रिकमेंड करना है कि हमारे क्लाइंट को कराने के बाद, आई लैशेस कराने के बाद कम से कम 24 आवर तक फेस वॉश नहीं करना होता है। मेकअप रिमूवर जो उन्हें जो भी कभी भी अगर मेकअप करना है, मेकअप रिमूवर जब क्लीन करना है अपनी, तो आई लिड को क्लीन करना है, लेकिन आई लैशेस पे कोशिश करनी है कि आपका आई लैश रिमूवर या फिर आपका जो है मेकअप रिमूवर ना लगे। साथ साथ आपको ध्यान रखना होता है कि आपको जो काजल लोकल आते हैं वो यूज़ नहीं करने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड होते हैं या क्रीम बेस्ड होते हैं। आपको वैक्स बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जेल लाइनर होता है वो यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, उससे स्टेबिलिटी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और हमारे क्लाइंट को हमने ये ज़रूर बोलना है कि बार बार उन्हें आंखें नहीं मलनी है, मतलब कि आईज़ रबिंग, लैश रबिंग नहीं करनी है। तो गाइज़ आप देखिए इनकी, अगर आप नेचुरल लैश की तरफ ध्यान देंगे ना, तो वो स्ट्रेट फॉर्म में आ रही है, जिससे कि हम बोलते हैं जेल लैशेस की फॉर्म में, लेकिन हम जो इनके लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं कर्ल लैशेस। तो हल्का सा आप देखिए फ्री एज एरिया में आपको दोनों लैश में डिफरेंस दिख रहा होगा, एक ऊपर को नज़र आ रही होगी और एक नेचुरल हेयर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो हमने इस यहाँ पर लॉकिंग करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि हमारी लॉकिंग इतनी अच्छी हो कि जब आई ओपन करेंगे ना, तो इनकी जो लुक है वो आईज़ की बहुत सुंदर आएगी। और जैसे कि आप आउटर एरिया में देख सकते हैं, यहाँ पर हम ब्लू कलर की लैशेस भी ऐड ऑन करें, क्योंकि मेरी क्लाइंट को यहाँ पर हल्की सी ब्लू की टोनिंग भी चाहिए लैशेस के आउटर साइड्स में।
गाइज वन बाय वन करके आई लैश अप्लाई करने में बेशक से टाइम ज़रूर लगता है ज़्यादा, लेकिन ट्रस्ट मी इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब कि आराम से हम जो कमिटमेंट देते हैं अपने क्लाइंट को 25 to 30 days की कमिटमेंट देते हैं। अगर इससे ज़्यादा रहता है तो ये तो हमारे लिए ही अच्छा होता है, हमारे क्लाइंट का जो है लैशेस का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है हमारे पास, तो हमें वो और रिकमेंड करते हैं क्लाइंट्स के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर बोल देंगे कि 2 महीने रहेगा और गलती से नहीं रहा, क्योंकि हमें नहीं पता है क्लाइंट घर में जाके क्या लगा रहा है या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है दोबारा उन्हें करके देना पड़ेगा और आपके माउथ पब्लिसिटी जो है बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपने कमिटमेंट जो है हमेशा सिर्फ 25 days to 30 days ही देनी होती है। और गाइज जो लोग सोचते हैं ना कि यूट्यूब की वीडियो देखकर आई लैशेज सीख सकते हैं, बेशक से सीख सकते हैं गाइज, लेकिन आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, आप हमारी वीडियो से जितना सीख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपकी हेल्प करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की, लेकिन इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेक श्योर आप इसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको डीपली समझना। बहुत नियर बाय रूट लगाना होता है बट नॉट ऑन रूट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे करनी होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग है वो किस लेवल पे जाती है, कौन सी क्लाइंट के आईलैशेस के अकॉर्डिंग क्या डिज़ाइनिंग हम आईलैश का देते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपको ध्यान रखने वाली होती हैं। वैसे तो आजकल फ़ैन वाली लैशेस भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जैसे कि हम फेदर लैश या फिर फ़ैन लैशेस भी बोलते हैं, उसमें आपको ज़्यादा नहीं करना होता है, गिनती के 20 मिनट में आई लैशेस कम्प्लीट हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी से वॉल्यूम दिखने लग जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब वो वाली लैश हम लगाते हैं ना, अगर गलती से एक भी लैश बीच में से निकल जाती है ना, तो वो ऐसे लगता है कि वो जगह खाली हो जाती है और एक वो पैच सा बन के एक आई लैश का पूरा के पूरा निकल जाता है। तो वन बाय वन वाली जो ये लैशेज मैं आज आपको सिखा रही हूँ, इसका ट्रेंड हमेशा रहने वाला है। कोशिश कीजिए वन बाय वन वाली लगाइए, आपके क्लाइंट लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि नेचुरल लुक में आती है ये और इसकी स्टेबिलिटी भी उससे ज़्यादा होती है। अगर इनके एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद 2-4 लैशेज निकल भी जाती है ना, तो भी कोई टेंशन नहीं होती है, तब भी आपके क्लाइंट को दिखती रहती है पूरे महीना ख़त्म होने तक उनकी आई लैश पर, नेचुरल लैशेज पर हमारे आई लैशेज एक्सटेंशंस। और अगर हम बात करें इसकी ग्लू की स्टेबिलिटी की गाइज, तो इसकी ग्लू जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, एक अच्छी ग्लू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके क्लाइंट की लैशेज मैक्सिमम 4 days में निकल के हाथ में आ जाती हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट वेस्टेज और आपका टाइमिंग वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, आपने इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। तो जो ग्लू हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं 2 to 3 seconds वाली, 1 second वाली बहुत फास्ट मोड पर जो है ड्राई हो जाती है, 2 to 3 seconds वाली आपको थोड़ा सा होल्डिंग का टाइम देती है, और ट्रस्ट मी जब ये होल्ड कर लेती है, जब तक आप अपनी आई लैश तक लेकर आते हैं अपने आई लैश एक्सटेंशन के हेयर को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पर लास्ट में हमने नीचे से इस तरीके से चेक ज़रूर करना है कि नीचे वाली लैश पे कोई चिपकी तो नहीं है, वन बाय वन करके हेयर आपकी टेप के साथ हम इसे रिमूव करेंगे, ताकि नेचुरल हेयर नीचे वाले जो हैं बिल्कुल भी खींचे नहीं और क्लाइंट को पेन ना हो, और धीरे धीरे करके हमने इस तरीके से अपने पैचेस रिमूव करने हैं। डायरेक्टली पैच रिमूव करने की कोशिश मत करना गाइस, क्योंकि हमने नेचुरल हेयर को बीच में लॉक किया होता है, तो आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाइंट बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो आप देख सकते हैं लास्ट में हम ब्रशिंग करना नहीं भूलेंगे, मस्कारा ब्रशिंग अच्छे से करनी है, थोड़ी सी हवा ज़रूर देनी है फ़ैन की, ताकि हल्की सी, क्योंकि ये जो हमारी ग्लू होती है वो इचिंग करती है रेटिना में, क्योंकि जब हमारा क्लाइंट ओपन करेगा आई में, हल्की सी इचिंग होनी लाजमी है, और साथ साथ गाइज अगर रेटिना हल्का सा रेड भी होता है इट्स वेरी कॉमन, और अगर बहुत ज़्यादा रेड होता है तो आप उन्हें इमीडिएटली रिमूवल के लिए बोल सकते हैं। आप देखिए इनका बहुत नेचुरल सा जो रेटिना है बहुत अच्छा खासा बिग है, क्योंकि इनके आईलिड बहुत अच्छी है, तो दैट्स वाई हल्का सा रेटिना रेड होना नॉर्मल है। आप स्टार्टिंग में भी देखेंगे वीडियो में जाकर, तो इनका रेटिना जो था नेचुरली हल्का हल्का रेड था, तो यहाँ पर इनको कोई रिएक्शन नहीं होगा, बहुत ही देखिए लुक कितनी अच्छी आ रही है, एक एक सिंगल हेयर के ऊपर सिंगल हेयर हमने लगाया है और ये कितना सुंदर और नेचुरल लग रहा है। सो आई एम श्योर गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो फाइनली आप देख सकते हैं वॉल्यूम और लुक कितनी नेचुरल आई है।